देहरादून पहुंचे बाबा रामदेव ने संघ पर लग रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि संघ का कोई प्रचारक इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में शामिल नहीं हो सकता है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें जिस तरह से संघ का नाम जोड़ा गया है और भाई इंद्रेश जी के बारे में जो आज तक मैंने सुना है उनके गांव से लेकर के और उनके मित्रों से लेकर के और अलग अलग लोगों के माध्यम से जो मुझ तक सूचनाएं आई हैं, उनका अतीत, उनका वर्तमान और उनकी का पूरा जीवन वो तमाम आपराधिक गतिविधियों से मुक्त रहा है। तो प्रथम दृष्टया यह एक आरोप जैसा लगता है और आगे जब जांच आगे बढ़ेगी और जिस तरह से माननीय इंद्रेश जी ने भी कहा है और संघ ने भी जिस तरह से कहा है कि वो इस लड़ाई को न्यायालय में भी लड़ेंगे और देश के लोगों के बीच में भी, तो इसमें सच और झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। और आइए अब खबरों में।